भारतीय तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने 2022 में आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उमरान मलिक अब तक भारतीय इतिहास के सबसे तेज गेंदबाज हैं। भारत के लिए डेब्यू करने से पहले उमरान मलिक ने आईपीएल 2022 में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने आईपीएल 2022 के 14 मैचों में 22 विकेट चटकाए थे और इमर्जिंग प्लेयर बने थे। इससे पहले 2021 में उन्हें कोविड पॉजिटिव टी नटराजन की जगह हैदराबाद टीम में शामिल किया गया था। 2021 में उमरान मलिक ने कुल 3 मैच खेले थे जिसमें उन्होंने गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट चटकाए थे और 2022 में उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इससे पहले 2021 में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में उमरान मलिक बतौर नेट बॉलर टीम इंडिया के साथ दुबई गए थे। आईपीएल 2022 में उनका प्रदर्शन उन्हें भारतीय टीम की ओर ले आया और उमरान मलिक ने 26 जुलाई 2022 में आयरलैंड के खिलाफ T20 मैच खेलते हुए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। अपने डेब्यू मैच में उमरान ने सिर्फ 1 ओवर डाला था जिसमें 14 रन खर्च किए थे। बता दें कि उमरान मलिक ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो 2018 तक टेनिस बॉल क्रिकेट खेला करते थे। उमरान मलिक टीम इंडिया के लिए अब तक 8 वनडे मैच और 8 T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। वनडे में उन्होंने 13 और T20 में उन्होंने 11 विकेट चटकाए हैं। इसके अलावा वो अब तक IPL के कुल 17 मैच खेल चुके हैं जिसमें वो 24 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यह दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।